Shankar Bhai and Brigade. Yeah, please. बोलो बोलो। हाँ डिप्टी चेयरमैन साहब, आपने मुझे जनरल बजट में बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तहे दिल से मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी बधाई देता हूँ। सब अगले साल हर गांव को, हर घर को अच्छी तरह से बिजली मिले, इसके लिए आयोजन किया था। पर इस साल भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के योजना में 4,814 करोड़ का आवंटन किया है। करीबन 18,000 गांव में हिंदुस्तान आजादी होने के बाद भी 18,000 से ज्यादा करीबन गांव में आज तक बिजली नहीं है। 12,000 गांव तक बिजली पहुंचाने का आयोजन किया है और 2019 तक हिंदुस्तान का हर गांव में बिजली पहुंचाई जाए, ऐसा हमारे वित्त मंत्री और बड़ा प्रधान जी ने आयोजन किया है, ये सराहनीय है। इसी तरह उजाला योजना में भी बिजली की बचत हो और सस्ते दाम पर बिजली का बल्ब और फैन और ट्यूबलाइट मिले, इसके लिए भी इस बजट में आयोजन किया है। हर गांव को शुद्ध पीने का पानी मिले, इसके लिए भी इस साल 6,050 करोड़ की लागत का आयोजन किया है। हर गांव को अच्छा रास्ता भी मिले, अच्छी सड़कें भी मिले, जिसी तरह से गांव वालों भी हर शहर में अपना बिजनेस करने के लिए है या आवन जावन के लिए अच्छी तरह से सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ की जोगवाई की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आज तक बीमा योजना लागू की थी अगले सरकार ने, पर इस योजना में ऐसा प्रावधान किया है कि किसान जब बीज बोता है और बीज भी फेल हो जाता है तो उसका भी उसको इस बीमा में प्रावधान होने के बावजूद उसकी उसकी जो नुकसान हो वो भरपाई की जाती है। और पहले तहसील गिना जाता था, इस फसल बीमा योजना में अब गांव और गांव में भी एक साइड और दूसरी साइड बारिश कम होती है, ज्यादा होती है तो 10-15 किसानों को भी नुकसान हो जाता है ज्यादा बारिश से या सूखा से, तो उसको भी प्रावधान किया है कि उसको 10 किसान को भी ये नुकसान की भुगतान की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया है। और हर किसान को अच्छी तरह से उसको ऋण मिले फसल के ऊपर, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को कृषि के लिए पानी मिले, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, इसी तरह जो हर साल हम बोरवेल से सिंचाई करते हैं तो जमीन के अंदर कितने मीटर नीचे पानी का स्तर चला गया है, हम पानी निकालते रहेंगे तो कब तक ये चलेगा? एक दिन ऐसा आएगा कि पानी बिगड़ जाएगा और पानी खत्म हो जाएगा भूतल में। तो इसकी तरह से जल सिंचाई योजना के बारिश का पानी जमीन में कैसे उतरे, इसके लिए भी उसने इस बजट में आयोजन किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 7,347 करोड़ रुपया का आवंटन किया है। हर खेत में उसकी क्वालिटी क्या है, आदमी के तो जांच होती है कि हमारे शरीर में क्या कमियां है, इसकी पूर्तता के लिए हम उसकी आयोजन करते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान खेती प्रधान देश है तो खेत में क्या कमी है आज तक किसी ने उसकी आयोजन नहीं किया था। सॉइल हेल्थ कार्ड की इस सरकार ने योजना की है, हर खेत की जांच की जाएगी कि खेत में क्या कमी है, क्या तत्व खूटता है तो उसके तरफ से ज्यादा उसको खाद मिले, कहां किसकी कमी है और क्या उसके खेत में बोया जाए तो अच्छी तरह से उसकी फसल मिले, तो ये भी सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना इस सरकार ने बहुत सराहनीय किया है। ऑर्गेनिक खेती की मैं बात करने वाला हूं,
कि इस बजट में ऑर्गेनिक खेती के लिए कुछ रकम बांटी गई है। सब ऑर्गेनिक खेती में हर खेत में जो बीज बोया जाता है वो भी ऑर्गेनिक होता है, और जो फसल आती है वो बिना कोई ऑर्गेनिक खेती में कोई रासायनिक खाद या फर्टिलाइजर डाली नहीं जाती है। इसके कारण शरीर के स्वास्थ्य के कारण हमारे जो हिंदुस्तान की हर बस्ती को ऑर्गेनिक फसल के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये ऑर्गेनिक खेती के लिए जो उसने प्रावधान किया है वो बहुत सराहनीय है। इसके लिए ऑर्गेनिक खेती के लिए ऑर्गेनिक खाद भी चाहिए, तो ऑर्गेनिक खाद के लिए हमारे गाय भैंस और बफेलो भी होनी चाहिए, बैल भी होना चाहिए। तो इस सदन में शर्म के मारे मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलता हूँ कि इस सदन में गाय को काटने की बात करने वाले भी सदस्य इस सदन में मौजूद है। अरे गाय नहीं बचेगी तो हिंदुस्तान को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, गाय बचेगी तो हिंदुस्तान बचेगा। गाय के गोबर में और गाय के गौमूत्र में इतनी ताकत है कि आज तक जो कैंसर होता है इसकी मिटाने की कोई दवा सुधारी नहीं गई है। इस आधुनिक युग में गाय के गोबर और गौमूत्र में इतनी ताकत है कि सही ढंग से उसका उपयोग किया जाए तो 100% कैंसर मिट जाता है। जिसके आंगन में गाय बंधी रहती है जब उसके श्वासोश्वास में इतनी मात्रा में इतनी शक्ति होती है कि रोग के जंतु अगल बगल में जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और गाय के कारण इस परिवार में जिंदगी में कोई आदमी बीमार नहीं होता, ये उसका लाभ होता है। तो मेरी तरफ से सभी सांसदों को मैं अनुरोध करता है कि गाय को बचाना पड़ेगा। डीप इरिगेशन का भी इस बजट में प्रावधान किया है। स्वस्थ भारत स्वच्छता में प्रभु का वास है, ऐसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, वेदों में भी कहा गया है, गांधी जी भी कहते हैं कि स्वच्छता में प्रभु का वास है। इसलिए स्वच्छता के लिए 16,248 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा जनधन योजना, आज करीबन 23 करोड़ जनधन योजना का अकाउंट खुल गया है। इसके कारण सामान्य आदमी को केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, वो योजना का सीधा जो लाभ मिलने वाला है उसका जो कैश होती है ये योजना का, वो सीधा इसके बैंक के अकाउंट में चला जाता है, किसके हाथ में पैसा नहीं जाता। इसलिए भ्रष्टाचार कम हुआ। एक बार ऐसी थी कि देश के हमारे वड़ाप्रधान भी कह चुके थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया गरीब के लिए भेजते हैं, लेकिन गरीब के झोपड़ी के पास पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 पैसा रह जाता है, 85 पैसा बीच में से खाया जाता था, भ्रष्टाचार हो जाता था। तो जनधन योजना के कारण अब सीधा पैसा गरीब के झोपड़ी तक पहुंचता है, इसके अकाउंट में चला जाता है, इसके बिना कोई वो बैंक में से उठा भी नहीं सकता है। ये बहुत सराहनीय कार्य किया है हमारे वड़ाप्रधान और वित्त मंत्री जी ने। कौशल बीमा योजना, सर मैं कहता हूं कौशल बीमा योजना और मुद्रा बैंक योजना के हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे बेरोजगारों को आज अभी रोजगारी मिलने के लिए चालू हो गया है। इस बजट में युवाओं को काफी तरजीह दी और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने और रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4,000 करोड़ रुपये का संकल्प कार्यक्रम में पेश किया है। इसके तहत देश भर में 3.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष युवा और खेल मंत्रालय के बजट में कुल 335.11 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत कार्पस फंड को 1,22,000 करोड़ रुपये से दोगुना करके 2,44,000 करोड़ रुपये किया गया है। इससे युवाओं को स्वरोजगार के लिए लाभ होने की बात की जा रही है। आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने वर्ष 2017-18 में शिक्षा कौशल और रोजगार के जरिए युवाओं को ऊर्जा भरने को सरकार ने 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र में से एक बताया, जिस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल केंद्र को मौजूदा 7 जिलों से बढ़ाकर देश भर में 700 से अधिक जिलों तक पहुंचाने का प्रस्ताव पेश किया है। इसके अलावा देश भर में 100 भारत अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां उन्हें प्रशिक्षण और विदेश भाषाओं में
पाठ्यक्रमों में भी पेशकश की जाएगी। जेटली ने कहा है कि इससे देश के उन युवाओं को मदद मिलेगी जो देश के बाहर नौकरी के अवसर चाहते हैं। इसके अलावा वर्ष 2017 में 2,200 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्राइव योजना का अगला चरण शुरू किया जाएगा, जिसमें ITI में व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारी जाएगी और उद्योग संतुलन दृष्टिकोण से प्रशिक्षण कार्यक्रम को मजबूत किया जाएगा। आवास योजना की बात करना चाहता हूं मैं साहब आपके माध्यम से। आवास योजना में 29,033 करोड़ की घोषणा की गई है। अगले 5 साल में देश के हर नागरिक के पास अपना घर होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में वर्ष 2022 तक देश के हर नागरिक को घर देने का वादा किया है। सभी को घर देने के लिए आम बजट में सस्ती आवास योजना चलाने वाली कंपनियों के लिए मुनाफे से जुड़ी छूट को आकर्षक बना गया है। साथ ही अब तक 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के बजाय 30 और 60 वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्र की गणना की जाएगी। 30 वर्ग मीटर की सीमा के केवल 4 मेट्रो शहर की नगर पालिका सीमाओं के मामले में लागू होगी, जबकि मेट्रो के बाहर क्षेत्रों में सभी देश के शेष भागों के लिए 60 वर्ग मीटर की सीमा लागू होगी। इस योजना के तहत कार्य प्रारंभ होने के बाद भवन निर्माण को पूरा करने की अवधि को मौजूद 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की भी प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय आवक बैंक में वर्ष 2017-18 में 20,000 करोड़ रुपए की होम लोन पुनरोत्थ करेगा। इससे बावजूद मनरेगा की मैं बात करने वाला हूं। सब मनरेगा में अब तक बहुत भ्रष्टाचार हुआ पहले, पर इस साल अरे क्या चल रहा है पूरा देश जान रहा है। अब तक क्या चल रहा था वो पूरा देश को मालूम है। इसका नतीजा तो आपने दे दिया, यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में सभी पंचायतों में भी। मनरेगा में केंद्र सरकार ने सभी आलोचनाओं को खारिज करते हुए एक बार फिर मनरेगा पर भरोसा जताया है। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने इस योजना की कड़ी आलोचना की थी, लेकिन 2017-18 के बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कानून के तहत अब तक सर्वाधिक 48,000 करोड़ रुपए से आवंटित किया गया है। पिछले साल 38,500 रुपए का आवंटन किए थे। हालांकि पिछले साल के संशोधित बजट अनुमान में ये राशि 47,499 करोड़ रुपए हो गई थी। मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार के अलावा आधारभूत ढांचे के निर्माण पर फोकस किया जाएगा। 5 लाख तालाब बनेंगे। वर्ष 2017-18 में के दौरान खेती से जुड़े 5 लाख तालाबों का काम शुरू किया जाएगा। यह पिछले साल 5 लाख तालाब और 10 लाख कंपोस्ट खाद के गड्ढे को लक्ष्य के अलावा है। सरकार ने कहा कि महिलाओं को की भागीदारी 48% बढ़ाकर 55% हो गई है। स्वच्छता अभियान पर स्वच्छता भारत मिशन के सरकार के एक बार फिर अपना फोकस जाहिर किया है। मिशन के तहत पिछले वर्ष की तुलना में करीब 5,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा बढ़ा है। 20 साल मिशन में 11,300 करोड़ रुपए दिए गए थे, अब यह राशि बढ़ाकर 16,248 करोड़ रुपए हो गई है। महिला और बाल सशक्तिकरण योजना का भी इस बजट में ज्यादा से ज्यादा रकम आवंटित की है। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण बढ़ाने के ध्यान में रखते हुए बजट में गांव के स्तर पर महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में महिला और बाल कल्याण के लिए आवंटन 1,56,548 करोड़ रुपयों को बढ़ाकर 1,84,632 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त और कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली जी ने आम बजट में 2017-18 प्रस्तुत करते हुए कहा कि 14 लाख ICDS आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ गांव के स्तर पर महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्हें कहा कि यह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त केंद्र के लिए कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के लिए वन स्टॉप सामूहिक सहायता प्रदान करेगा। अरुण जेटली ने यह भी कहा कि गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की राष्ट्रव्यापी योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये सीधे ऐसी गर्भवती महिला के बैंक के खाते में जमा की जाएंगे। मैं आपको एक कहना चाहता हूं, एक भारत स्वस्थ भारत, इस सूत्र को सार्थक करने के लिए इस बजट में बहुत सारे योजना में
बड़ी रकम आमंत्रित की, इसलिए तहे दिल से इस बजट का मैं स्वागत करता हूं, सपोर्ट करता हूं, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मिस्टर बगेट, थैंक यू वेरी मच।